बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में एक बड़ा हादसा हुआ है। राजधानी के गणेशगंज में एक मकान गिर गया है। इस हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई है, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से जख्मी है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं और हादसे की जांच शुरू हुई है। हादसे में एक बच्चे की मौत हुई है, जिस तरह से ये घर गिरा है। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये घर जो देखने में काफी पुराना भी लग रहा है, जर्जर हालत में ये घर जो गिरा है इसके नीचे। हालांकि कितने लोग अभी दबे हैं ये क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन एक बच्चे की मौत जरूर हो गई है। एक महिला को भी बाहर निकाला गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गणेशगंज ये इलाका है, मकान का हिस्सा गिरा है, जिसके नीचे एक बच्ची दब गई और उसकी जान चली गई। कितने लोग उस वक्त घर में थे ये अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन मकान की हालत देखकर साफ लग रहा है कि ये काफी पुराना है। लोमस से ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ लोमस। जैसा कि तस्वीरों में हम समझ पा रहे हैं कि मकान काफी पुराना था, क्या यही वजह है मकान गिरने की, और उस वक्त कितने लोग घर में मौजूद थे? बिल्कुल सही बता रही हैं आप कि जो पुलिस द्वारा और नगर निगम द्वारा बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि ये मकान काफी पुराना था। साथ ही पुलिस और नगर निगम द्वारा इस परिवार को काफी समय से बोला जा रहा है कि मकान खाली कर दें, लेकिन एक परिवार लंबे समय से रह रहा था। और साथ ही आपको बता दें कि जब मकान गिरा था उसमें एक महिला और एक बच्चे थी, जिसका जो बच्चे की मौत हो गई और महिला को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। साथ ही महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। साथ ही पुलिस अभी भी ये जांच कर रही है कि उस मलबे में और कोई भी परिवार का सदस्य दबा तो नहीं है। चलिए लोमस, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो जैसे हमारे संवाददाता लोमस बता रहे हैं कि पहले ही कह दिया गया था कि इस घर को खाली कर देना चाहिए, नगर निगम की ओर से भी नोटिस दिया गया था, लेकिन फिर भी वहां पर लोग रह रहे थे। और आज जिस तरह से हादसा हुआ है, एक बच्चे की जान चली गई है। शायद वक्त रहते इन लोगों ने घर छोड़ दिया होता तो वो बच्ची आज जिंदा होती।